दीपाया ने रब दे हवाले कीता प्यार जख्मी मंगिया दुआवां विच तुप हनेरे तू देखना जरा चेक तो करें। मैं मर गई, इनको तो देखिए, इनकी उम्र तो 55 से कम नहीं लग रही मुझे। तुम्हें क्या शौक पड़ा हुआ है नेट पे रिश्ते देखने का? इसमें शौक की क्या बात है, मेरी शादी नहीं करनी? मुझे तो बड़ा शौक था। जब मेरी मंगनी हुई थी ना, तो मेरी मंगनी और शादी में पूरे एक साल का वक्फा था। कैसे तड़प तड़प के गुजारे थे मैंने वो दिन। बचपन से ही बहुत फिल्मी थी आप। जी नहीं, कोई फिल्मी नहीं थी। और बचपन नहीं था, मैं पूरे 19 साल की थी जब मेरी मंगनी हुई थी। अरे मना किया ना इतने खतरनाक काम करने से, और ये क्या शौक है आपको 2 रुपए वाली लड़ियां लगाने का? उतरी नीचे। मोहिनी मैं ठीक हूं। अस्मा उतरो फौरन। 2 रुपए वाली नहीं है वो। इतनी बार कहा है मासी रख ले, एक नहीं सुनती मेरी। हाँ क्या क्या रखूं, जरूरत तो मुझे प्लंबर की भी है, इलेक्ट्रिशियन की भी है और कारपेंटर की भी। और अब जो तुम ये रिश्ते देख रही हो ना, तो किसी ऐसे आदमी से शादी करना जिसे ये सारे काम आते हो, कम से कम मेरा तो फायदा हो। अस्मा तुम अपनी इकलौती बेटी के बारे में कितना अच्छा सोच रही हो। खुदा ना खासा मेरी शादी किसी इलेक्ट्रिशियन या प्लम्बर से हो गई तो सबसे पहले खुदकुशी तुम ही करोगी। जरा इनको तो चेक करें, उम्र 65 साल। अल्लाह। उमर, उमर, उमर। सोचा था मैं मजाक कर रहा था यार। क्या बकवास है, क्यों इतनी सुबह सुबह नाजिल हो गए हो तुम? वैसे इस कवर पे मेरी फोटो होनी चाहिए थी। तू डिजर्व नहीं करता द मोस्ट एलिजिबल बैचलर का टाइटल, ये देख। डिजर्व तो मैं ये बोरिंग और स्ट्रिक्ट जिंदगी भी नहीं करता, लेकिन क्या करें, कुछ चीजें इंसान को इनहेरिट करनी पड़ती हैं। एक काम कर, शादी कर ले। फुल प्रूफ प्लान, लाइफ को एडवेंचरस और एक्साइटिंग बनाने का थीम को। एक्साइटमेंट और एडवेंचर के लिए शादी बहुत बड़ी कीमत है। इट्स अ फेल बिजनेस डील माय फ्रेंड। अगर ऐसा होता ना तो तेरे अब्बा 2 शादी नहीं करते भैया। अगर बिजनेस में कोई बड़ा फायदा दिखाई देता ना उन्हें तो एक और कर लेते। अच्छा सुन, एक बात थी यार। सुनना यार, वो आयजा की कैफे की ओपनिंग है, तो उसने हम सबको बुलाया है और तुझे स्पेशली बुलाया है, तो यू नो आई रियली वांट यू टू कम। मैं खुदकुशी ना कर लूं इसकी बजाय। ये भी है, चल ले यार प्लीज आई। मैं भी चल ले। ऑलराइट लेट्स सेटल दिस। थैंक यू। यस बेस्ट ऑफ 3, बेस्ट ऑफ 3, बेस्ट ऑफ 3 क्यों जीत गया ना मैं? चल ना, वेरी चीटिंग है। Thank you.
प्लीज 8 बजे तक आ जाएगा? बैरिस्टर साहब ने बुलाया है। आई डोंट वांट टू बी लेट। सॉरी, बहुत स्मोकिंग कर लिया आज। इट्स बैड फॉर यू। ओके, आई विल बी देयर एट 8। गुड। हाँ, बोलो। देखता हूँ। अलियास हयात के बेटे को अगवा कर लिया गया है, जबकि अगवाकारों ने उनकी बाजियाबी के लिए 25 करोड़ रुपए तावान का मुतालबा किया है। जी हाँ, यह आम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। मारूफ सनतकार अलियास हयात के बेटे को अगवा कर लिया गया है। खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। मारूफ सनतकार अलियास हयात के बेटे को अगवा कर लिया गया है। मिसेज इम्तियाज, उम्र कहाँ है? अपने कमरे में है सर। सिक्योरिटी एजेंसी को फोन कीजिए, उनसे कहिए कि हमें उमर के लिए 6 और गार्ड्स चाहिए। And do it now. Yes, sir. ऐसी बात है, मुझे गार्ड्स के बगैर जमजमा से बाथरूम जाने की परमिशन नहीं मिलती है। पाकिस्तान टूर पे जाएगा वो भी बाय रोड। जी जी सर, अंडरटेकर जी सर, मैं आ रहा हूँ जी। क्या हुआ? I have to change my shirt. अच्छा, why don't you wear that pink sherwani for change? तुम थर्सडे की शाम को क्या कर रही हो? क्यों? मेरे होटल में एक इवेंट है, वो तुम कवर कर रही हो। मामा, मैं एक न्यूज रिपोर्टर हूँ, इट्स अ सीरियस प्रोफेशन। प्लीज मुझे फोटोग्राफर की तरह ट्रीट करना बंद कर दे। मैं वेडिंग्स, बर्थडे पार्टीज और सेमिनार्स कवर नहीं करती। हाँ तो मैं कौन सा तुम्हें अकीका कवर करने के लिए बुला रही हूँ? एग्जिबिशन है, वो कवर करनी है। किसका? मेहर सुल्ताना। फिर कोई आंटी कैनवस पर पेंट फेंक कर ले आएगी, जिससे उसकी बहन या मम्मी खरीदेगी और कहेगी, वाओ, इजंट इट माइंड ब्लोइंग। सॉरी, पर यही है, तुम्हें करना होगा। मैं अपने बॉस से कमिट कर चुकी हूँ। मामा सुनो, मेरा अप्रेजल होने वाला है और शायद बोनस भी मिले, इसलिए चुप हो जाओ। एक शर्त पर अस्मा, अगर तुम्हें बोनस और इंक्रीमेंट मिला तो प्रॉमिस करो कि अपनी जिंदगी से अपने लिए एक हफ्ता निकाल कर घूमने चली जाओगी। वाओ, कैसे दिलवाले दुल्हनिया वाला डायलॉग मारा है तुमने सिमरन। इस बार बोनस मिलेगा तो तुम्हारा जहेज बनेगा। आपने फिर जहेज का नाम लिया। सुनो, छुट्टियों पर पैसा बर्बाद करने से तो बेहतर है। अब करवा लें आप अपना इवेंट कवर मुझसे। नहीं, तुम दिल खोल के बदतमीज हो। आई नो, मेरा इवेंट कर रही हो तुम। भूल जाए मामा। सॉरी, आज के बाद तुम जहां भी जाओगे एक गार्ड्स की वैन तुम्हारे साथ जाएगी। आई होप यू अंडरस्टैंड दैट। जी, अलियास साहब के बेटे को किडनैप कर लिया है। दे आर आस्किंग 28 करोड़ ऑफ रुपीज एज रैंसम, सो यू गॉट टू बी केयरफुल। बाहर जाना मेरे ख्याल से
जितना कम कर सकते हो कम कर दो। जी सर, मैं जाऊं? यू कैन गो। मुझे ये बताओ कि नोमी में क्या बुराई है? उससे ज्यादा बोंगा आदि मैंने दुनिया में नहीं देखा। अभी तक एस्केलेटर्स पर झूले झूलता है। क्या कर रही हो? पूरी उंगलियां घिस दोगी क्या रामलीला की अम्मा? दूसरा हाथ दो। अगर हर लड़की के बारे में ऐसा सोचा ना तुमने, तो हो गई तुम्हारी शादी। मैं तो शादी के बारे में मजाक कर रही थी, आप तो सीरियस ही हो गई हैं। मैं नोमी की फैमिली को चाय पर बुला रही हूँ। ठीक है, अपने रिस्क पर उसके पूरे खानदान को बुला ली, फिर उसके बाद मुझसे मत कहिएगा कि मैं दिल खोल कर बदतमीज हूँ। छोड़े मेरा हाथ, पूरा लड़कियों वाला हाथ बना दिया मेरा। अस्मा, जी जूनियर हाशमी। तन्नो जी, वो मिसेज इम्तियाज अपना सेल फोन ना यहीं छोड़कर चली गई हैं। अच्छा, सीनियर हाशमी उनकी बेगम कहाँ हैं? वो सलीम साहब के घर ना खाने पर गए हैं। ठीक, ऐसा करना मिसेज इम्तियाज को बता देना मैं रात का खाना बाहर ही होगा। अगर मैं आपको ये बता दूँ ना कि वो सलीम साहब के घर क्यों गए हैं, तो खुशी की वजह से आपसे खाना नहीं खाया जाएगा। क्यों? क्योंकि वो सलीम साहब की बेटी को देखने गए हैं आपके लिए। Assalamualaikum, Mr. and Mrs. Rahul. Waalaikum assalam. How are you? Good. Seen you after a long time. I know. I know you don't even come and visit us. You must. I definitely will. Umar nahi aaya aap logon ke saath? Umar beta, he had to attend a very important business dinner. Okay. Tumne fine arts mein graduate kiya hai, right? Ji, last year from Indus Valley. If you can excuse me for a bit, I'll be right back. Sure. उमर के लिए इससे बेहतर लड़की नहीं हो सकती। आप एक बार उमर से पूछ तो लें, या एटलीस्ट उसको बता तो दें। वो मुझे कभी इनकार नहीं करे। आपने अपने बेटे को इनकार का हक दिया है क्या? तरबियत भी कोई चीज होती, आजादी भी कोई चीज होती। क्या हाल है? मुझे पता है, उन्होंने मुझसे पूछना तक नहीं है, सिर्फ ऑर्डर देना है। या तो तू और क्या एक्सपेक्ट करता है अंडरटेकर से? कुछ बेच रहे होंगे या कुछ खरीद रहे होंगे।
मुझसे शर्त लगा ले, इस बार तुझे ही भेज रहा हूं। तो कोई और ऑप्शन है मेरे पास? टॉक टू हिम फॉर गॉड्स सेक। तेरी शादी हो गई, तेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी मेरे भाई। दिस इज योर लास्ट ऑप्शन, यू हैव टू टॉक टू हिम। तू बात कर लेता अपने पास है? नहीं, लेकिन मैं अम्मी से बात कर लेता हूं, जो मुझे क्या करनी होती है। मेरी मॉम नहीं है। I'm sorry, मैं बात नहीं कर सकती आपके बेटे के साथ, स्पेशली ये बात। उसके साथ बात नहीं करनी, बल्कि उसको ये बात बतानी है कि मैं उसकी शादी करने लगा हूं। उसकी टाई से लेके उसके मौजों तक आप बताते हैं कि वो क्या कर सकता है, तो ये बात करने में क्यों मुश्किल हो रही है? कोई मुश्किल नहीं हो रही। मैं नहीं चाहता कि मैं उसके साथ किसी किस्म की बहस में इन्वॉल्व हूं और उसको मौका मिले कि वो इनकार का एक लफ्ज जो है वो मुझे कह सके। कभी कभार मुझे ऐसा लगता है कहीं मेरे बजाय आप सोतेले तो नहीं, क्यों करते हैं उसके साथ ऐसा? अगर मैं ऐसा ना करता तो वो और अमीरजादों की तरह अयाशियां कर रहा होता, पार्टियों में शराबें पी रहा होता। एक ही बेटा है मेरा, मेरी जगह लेनी है उसने। अच्छे, वो कभी बगावत भी नहीं करेगा। ओहो अस्मा, क्यों बच्चों की तरह जिद करना शुरू कर देती हूँ? मैं नहीं जा रही रात के 1 बजे फिल्म देखने। कल सुबह को मुझे गवर्नर हाउस पहुंचना है 7 बजे। मैं नहीं चाहती कि मैं जमाइयां ले रही हूँ, वो भी कैमरे के सामने। हाँ ना, तो एक दिन तुम 4 जमाइयां ले लोगी तो क्या कयामत आ जाएगी। विद्या बालन का आखिरी शो है, अगर मैंने मिस कर दिया ना तो मेरी बख्शीश नहीं होगी। एक मिनट, ये कौन सी फिल्म है विद्या बालन की जो हम देखने जाएंगे? वही जो तुमने सोची है। अस्मा, तुम वाकई बहुत आपे से बाहर होती जा रही हो। मैं दिन दहाड़े ऐसी फिल्म नहीं देख सकती, और रात के 1 बजे तो देखने का सवाल ही नहीं पड़ा था। तुम कितनी नाफरमा बरदार औलाद हो। अगर मैं तुम्हारे अब्बा को कहती ना तो फौरन अपना बाइक निकालते और मुझे ले जाते। तुम्हें कहने की जरूरत ही ना पड़ती मुझे। जी मुझे पता है, और फिर जब पुलिस वाले पकड़ कर थाने ले जाते तो सुबह को शक फोन आना ही आकर चला। तुम्हारे साथ मुझे निकल आने की जरूरत नहीं है, तुम चलो ना मेरे साथ, अभी आधा घंटा लगेगा जाने में। तुम इतनी जिद्दी क्यों हो? इट्स माय बर्थडे। झूठी, अभी पिछले महीने तो तुम्हारी बर्थडे गुजरी है। नहीं, आज इस्लामिक कैलेंडर के हिसाब से मेरी बर्थडे है। हां हां, लेट्स गो, लेट्स गो। यू नॉट डूइंग योर जॉब। माय इंस्ट्रक्शंस वर वेरी क्लियर। ये अपने काम से जाता है, अपने दोस्तों के साथ जाता है, आई डोंट केयर कि क्या पहनता है, लेकिन वेयर ही रिप्रेजेंट्स द हाशमी फैमिली, He needs to be properly dressed. जूनियर हाशमी, आप लेट हो गए ऑफिस के लिए। मिसेज इम्तियाज, मुझे लगता है शादी 20s में नहीं, कम से कम 30s में करनी चाहिए। आपको क्या लगता है? मुझे क्या लगता है या आपको क्या लगता है? इट डज नॉट मैटर। अहम बात तो ये है कि सीनियर हाशमी को क्या लगता है। आपको लगता है कि मैं उन्हें कन्विंस कर पाऊंगा कि मुझे MBA करने के लिए स्टेज जाने दें? आज तक तो आपने सीनियर हाशमी के साथ 3 लफ्जों में बात की है। यस सर, ओके सर, सॉरी सर। ट्रैक रिकॉर्ड देखते हुए तो आई वुड से नो। दुआ कीजिएगा मेरे लिए। अब वाकई सीनियर हाशमी से बात करेंगे? जी। आयतल कुर्सी पढ़ के फूंक दूंगी। जब मैं बाहर जाने लगूं तब। डन, जल्दी तैयार हो जाएं। हेलो, बात की तूने? यार बहुत मुश्किल है, कोई और तरीका नहीं निकल सकता? हाँ है,
तू ऐसा कर तो खुदकुशी कर ले भाई। क्या? हाँ, तुझ जैसा बुजुर्ग आदमी इसके अलावा और कुछ कर नहीं सकता। किसी का मर्डर थोड़ी कर रहे हैं यार, बात ही तो करनी है। सिर्फ बात करनी है। अगर बात नहीं कर सकते ना तो प्लीज अपनी मरी हुई मछली जैसा मुंह लेके मेरे पास मत आना प्लीज। ऑलराइट, खुदा हाफिज। Not possible. Okay. कोई खास वजह सर? I need you here. सर दो साल की तो बात है। It's one of the most prestigious business schools in America. बहुत मुश्किल से एडमिशन मिलता है वहां। जानता हूं। मेरा ख्वाब था वहां जाके पढ़ना सर। ये भी मुझे पता। दो और बातें भी मैं जानता हूं। जो स्टूडेंट्स बाहर पढ़ने जाते हैं वो उस पोजीशन के लिए जाते हैं जिस पोजीशन पर तुम ऑलरेडी हो। दूसरी ये कि मैं तुम्हारी शादी करना चाहता हूं। बहुत टाइम है तुम्हारे पास। जी। गो डू समथिंग कंस्ट्रक्टिव। यू वेस्टिंग माय टाइम एंड योर टाइम। गो। पागल तो नहीं है? चैनल बंद करके पान का खोगा खोल लेना चाहिए इसे तो। वहाँ भी पान की जगह पीपल के पत्ते बेचेगा और कहेगा रिसेशन माय डियर रिसेशन, बजट नहीं है, एक पत्ते में चार पान बनाओ, बल्कि चार नहीं पांच। तो मेरी इस बंदे की वाकई में नहीं समझ में आती। अमेरिका जाने के लिए इसके पास बहुत पैसे, पूरी फैमिली को लेके जाता है और जब हमारी तनख्वाह देने की बारी आती तो मौत आ जाती है उसकी। तुमने अपना घर ठीक किया? कहाँ यार, कहाँ से ठीक करूँगा मैं, खाने को पैसे नहीं है, सोफे और पर्दे कहाँ से लाऊंगा मैं यार। तो चलो मेरे घर चलो, मैं तुम्हें खाना खिलाकर सवाब कमा लेती हूँ, फिर उसके बाद हम एक अजीम आर्टिस्ट की आर्ट एक्सिबिशन पर चलेंगे, ठीक है? खाना और तुम्हारे हाथ का, और उसके बाद तुम्हारी अम्मी के होटल पे एग्जिबिशन। बहुत शुक्रिया, आप जाए प्लीज, मुझे नहीं जाना। चलो ना यार, मैं बोर हो जाऊंगी। यार मैंने बोला ना मुझे नहीं जाना, तुम चली जाओ। रुको, ये ऊपर कमरे में रख कर आओ। ये इस तरह के कपड़े पहनकर कहाँ जा रहे हो? वो आपको भी इनविटेशन आया था, एग्जिबिशन है पेंटिंग्स की, मिसेज मिसेज इम्तियाज, तुमको कितनी बार समझाना पड़ेगा? जब तुम बाहर जाते हो तुम्हारा हुलिया, तुम्हारी हरकतें जो हैं वो नोट की जाती हैं। यस सर। आप जानती हैं कि ये कहाँ जा रहा है? एग्जिबिशन पे सर। डू यू थिंक दिस इज एन अप्रोप्रिएट ड्रेस फॉर हिम टू गो एंड रिप्रेजेंट आवर फैमिली इन एन एग्जिबिशन? यू नॉट डूइंग योर जॉब। माय इंस्ट्रक्शंस वर वेरी क्लियर। ये अपने काम से जाता है, अपने दोस्तों के साथ जाता है, आई डोंट केयर कि क्या पहनता है, लेकिन वेयर ही रिप्रेजेंट्स द हाशमी फैमिली He needs to be properly dressed. अगर वो इस होलिये में ये पाया जाएगा वहां पे, तो you are responsible for that. Get him changed.
चलिए जूनियर हाशिम। For God's sake, just let me be myself for once. You're a public figure. To hell with the public figure. I don't even want to be one. चलिए रूम में चलिए, आपके लिए सूट निकाल दें। आपका बस चले ना तो आज भी मेरी नैपियां चेंज कर रहा हूं। अच्छा चले, रोना बंद करें। चलिए your top. Kahan se li? Thank you so much. I got it from Dubai last week. Hey, listen, isn't it Shweb's ex? Yes, she is. Oh my God, kya hal kar diya Shweb ne iska. Shweb ki nayi wali dekhi? Aapne dekhi? Kaisi hai? But ab face left or nose job ka ishtihar hai. Otherwise, she is very average. मौजूद है मिसेस महर सुल्ताना की पेंटिंग एग्जीबिशन पर, जहाँ पे इस दफा एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग्स डिस्प्ले की गई हैं। एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग के बारे में पिकासो ने कहा, द वर्ल्ड टुडे डजंट मेक सेंस, सो व्हाई शुड आई पेंट पिक्चर्स दैट डू। लोगों का इतना बड़ा टर्नआउट देखकर पता चलता है कि शायद अब ये बात सब समझते हैं। आइए चल के देखते हैं कि लोगों का इस एग्जीबिशन के बारे में क्या कहना है। सर, कैसा लग रहा है आपको यहाँ आकर? It's great to be in front of all of these very colorful people and wonderful artwork. यार के बात की चुप्पी। Oh, sorry. दोबारा दोहराऊं? No, no, it's all right. आपने एक पेंटिंग भी खरीदी है? जी, ये वाली। Oh, क्या मैं पूछ सकती हूँ कि आपने ये पेंटिंग क्यों खरीदी? कलर्स की वजह से। It's a good choice, sir. Thank you so much. Welcome. अस्मा, मुझे फंसा कर तुम खुद घर चली गई हो ना? घर आके पूछती हूँ। हाँ हाँ ओके बाय। जी, आपने मुझसे कुछ कहा? जी नहीं। वैसे आपको इस पेंटिंग में अच्छा क्या लगा? क्या मतलब? मैं सिर्फ ये जानना चाहती हूँ कि इसमें ऐसी क्या खास बात थी कि आपने इतनी महंगी पेंटिंग खरीदी? देखिए, इट्स आर्ट। आई नो इट्स आर्ट, आर्ट तो सब है, लेकिन आपने वही पेंटिंग क्यों चूज की? लाइक आई सेड बिफोर, कलर। आई लाइक द कलर्स। कलर्स? कलर्स डब्बे में भरकर दीवार पे दे मारो, ऐसे ही नक्शा बनेगा। देखिए, आप महर साहब के आर्ट की तोहिन कर रही हैं। महर साहब नहीं, महर सुल्ताना साहिबा। अच्छी खासी ठीक ठाक औरत है वो, और विमेन राइट के एक्टिविस्ट भी हैं। अपना कार्ड उठा लीजिएगा।
इस तरह क्रेडिट कार्ड की नुमाइश करना अच्छा नहीं समझा जाता। शॉप देखने गई थी मैं तो, पसंद आई? ठीक थी, स्पेशियस थी, इट हैड टू फ्लोर्स, लेकिन प्रॉब्लम वही लोकेशन का आ जाता है। क्यों, लोकेशन को क्या हुआ? है जमजमा में, लेकिन एक गली के अंदर, वहां पे बुटीक्स ही बुटीक्स हैं। मुझे मेन रोड पे चाहिए, वहां पे कोई बुटीक्स नहीं है। मैंने एहसान साहब से कहा, वो कह रहे थे कि एक मेन रोड पर रेस्टोरेंट है जो बंद हो रहा है, शायद मिल जाए। उफ, ये मेरे सामने मुठियां भर भर के दवाइयां खाने बंद कर दें। ये जो मुठियां भर भर के खाता हूँ ना, यही चला रही है मुझको। आप कुछ काम कम कर देना, बहुत हो गया। यू नीड टू रेस्ट मोर। एक दिन अगर दफ्तर ना जाऊं तो सब कुछ उल्टा सीधा हो जाता है। तो उम्र की आप शादी कर रहे हैं, उस पर कुछ और रिस्पॉन्सिबिलिटी डालें। वो काम पे जाता है, वो क्या करता है वहां पे? अभी छोटा है, सीख जाएगा चंद सालों में। वैसे वो भागने की सोच रहा है। कहां? अमेरिका जाना चाहता है एमबीए करने। यस, उम्र कहाँ है? वो सर एग्जीबिशन पे गए हुए हैं, वापस नहीं आए अभी तक। अभी तक नहीं आया? आप फौरन फोन कीजिए। गार्ड साथ गए थे या नहीं? जी सर। ये आपको ख्याल रखना है, 11 बजे से पहले उम्र को घर में होना चाहिए। ओके, दैट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। यस सर। उसका पासपोर्ट आपके पास है ना? जी सर। हाँ, वो मुझे चाहिए, मुझे दे दीजिएगा। अभी सर? अभी नहीं, कल दे दीजिएगा, कल। यस सर। उनसे भी इतनी सख्ती से आप बात करते हैं, किसी दिन खड़े खड़े मर जाएंगे। बूढ़ी हो गई हैं, ऊंचा सुनती हैं, इसलिए ऊंचा बोलना पड़ता है। मेरे ख्याल में इनको रिटायरमेंट ले लेनी चाहिए। कितनी बुरी बात है राहत, 17 साल से आपके लिए काम कर रही है, अब बूढ़ी होगी तो उनको निकाल देंगे। देखो, प्रोफेशनल जॉब कर रही है, तुम इसके अंदर इमोशन मत लेकर आओ। आई डोंट केयर मिसेस। आप उन्हें बोल दें कि मैं घर आ गया और सो गया हूं। जी, थैंक यू, खुदा हाफिज। टिकट्स कब की करवा रहे? Oh my God, तुम वाकई में भाग रहे हो? जो भी नेक्स्ट अवेलेबल फ्लाइट हुई। अली, हैव यू लॉस्ट इट? उसके अब्बा उसे तो जान से मार डालेंगे और तुम्हें भी। तुम क्यों इसकी हेल्प कर रहे हो? अली, इसे प्लीज चुप कराओ। तुम खुद चुप करके बैठो। तुम्हें पता भी, अगर उन्हें पता चल गया तो वो क्या हशर करेंगे? अच्छा लिसन, फ्लाइट प्लीज डायरेक्ट करवाना, ट्रांसिट में बहुत टाइम वेस्ट होता है। न्यूयॉर्क में कहाँ रहोगे? मैं मिशेल से बात हो गई है, शी इज इन अपार्टमेंट देयर, तो कोई इशू नहीं होना चाहिए। और यकीनन तुम्हारा खर्चा भी वही उठाएगी। मेरी बात सुनो, एक तो मेरे पास अमेरिकन नेशनैलिटी है, दूसरा डिग्री भी है, तो आई एम श्योर आई विल गेट अ जॉब। और अगर ना भी मिली ना, तो तुमसे नहीं पैसे मांगूंगा मैं। और अली से भी मत मांगना। सुबह बीच चले, like really 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 early in the morning? Absolutely, we should. सुबह बिल्कुल 7 बजे उठते हैं और sure. कॉल आ रही है, मैं अटेंड करके आती हूँ। कहाँ से उठाकर लाए ये साइको औरत? Let's go to the beach like really 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 early in the morning. Come on यार, अच्छी लड़की है, बहुत मुश्किलों से मिली है। I'm really 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 sorry. इतना बुरा नहीं बोला था वैसे मैं।
स्टुपिड लड़की, वो राहत हाशमी का बेटा है, हमारे होटल के टॉप फ्लोर पर ऑफिस है उसका। आई नो मामा, लास्ट वीक किसी मैगजीन के कवर पे उसकी पिक्चर भी आई थी, मोस्ट एलिजिबल बैचलर इन टाउन। और तुमने उसके साथ भी बदतमीजी कर दी। बदतमीजी क्या मामा, इट वाज सो फनी, आई हैव नो आइडिया। वैसे मुझे बड़ा मासूम सा लगा वो, क्या वाकई ऐसा है? हाँ मासूम सा ही है बेचारा, इसीलिए तो मुझे उस पर तरस आ गया बेचारे पर, छोड़ दिया। तुमने उसको बता दिया था कि तुम कौन हो? मोहिनी नाम है उसका, किसी न्यूज चैनल में काम करती है। वो सब तो ठीक है, लेकिन तुमने बर्दाश्त कैसे कर लिया उसको? यार आई वाज कॉट ऑफ गार्ड। वैसे इतनी भी बुरी नहीं लगी उसकी बातें। इससे बुरी बातें और क्या हो सकती थी, बस गालियां देने की देर थी। यार पहली मर्तबा किसी अकल वाली लड़की से मिला, वरना तुम्हारी आयजा से मिलके तो सॉरी टू से मैं बहुत मायूस हुआ था। लुक, आयजा इज अ वेरी यंग एंड वेरी ब्यूटीफुल वुमन, ऑलराइट? आयजा इज अ वेरी यंग एंड वेरी स्टूपिड वुमन। ओके, कल करते हैं बात इस बारे में। कॉल इज स्टूपिड। यार के लिए लेट हो जाएंगे आप। मिसेस इम्तियाज, फॉर द लव ऑफ गॉड मुझे ये जूनियर हाशमी कहना बंद करें, सारी रात नहीं सो सका मैं। क्यों जूनियर हाशमी? पता नहीं। तो आप आज ऑफिस नहीं जाएंगे? एक सीक्रेट बताऊं आपको, मैं अब ऑफिस नहीं जाऊंगा, ना आज ना कल बल्कि कभी भी नहीं। मैं भाग रहा हूं। भाग रहे हैं? कहां भाग रहे? न्यूयॉर्क। मेरा पासपोर्ट कहाँ है? ओह, तभी सीनियर हाशमी आपका पासपोर्ट मांग रहे थे। उनको किसने बताया? आपका क्या ख्याल था कि मेरे घर में नकब लगाकर आप आराम से बच जाएंगे? ऐसा नहीं है सर। ऐसा नहीं है? I'm sorry. You are fired. तुम्हें लगता है तुम मेरे बारे में सब कुछ जानती हो? और ऐसा नहीं है। तुम कुछ भी नहीं जानती। तो बताओ मुझे, सरप्राइज मी। मुझे बचपन से कुत्ते की तरह। मिसेज इम्तियाज उमर से प्यार करती है, उमर मिसेज इम्तियाज से प्यार करता है, और तुम मुझसे प्यार करती हो। इन तमाम रिश्तों को, जज्बों को जो ताकत आपस में जोड़े रखती है, वो सिर्फ और सिर्फ पैसा है।